Só pentureza. मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा पूरण मल न थारा हो पूरण मल न थारा तार फकीरी पाड़ा बेटा तार फकीरी पाड़ा बेटा राज सौंप दूं सारा। मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा पूरण मल न थारा हो भूलूंगा मेरे जब तक सांस बदन मेरे मेरे जब तक सांस बदन में। अरे बेटे वाली मोहम्मता की झाली उठे है तन में। अरे बुझती कोन्या दिखे बुझती कोन्या भड़के है घी केर के राम अगन मेरे घी केर के राम अगन में। मेरे सर के धोड़े बाल बुढ़ापा ईश्वर सबका वो ईश्वर सबका रक्षक है मन भूल में गोते खारा रे मन भूल में गोते खारा। यही रखिए साथ गुरु ने कह रहे हैं कि तू सियालकोट का राजा बन जा और यही रखिए साथ गुरु ने, यानी कि अपने गुरु गोरखनाथ को भी इसी राजपाट के अंदर लेकर के आ जाऊं। अपने गुरु को भी यहां लेकर के आइए, उनकी भी सेवा करिए और इस राजपाट को भी चलाइए। लेकिन राजन, जिस राजगद्दी का आप लालच दे रहे हैं, मैं मेरे गुरु गोरखनाथ ने मुझे उस राजगद्दी से भी ऊंचा स्थान दे रखा है। आपकी इन बातों का भी जवाब मेरे पास में है, कहिए। तू सियालकोट का राजा बनिए, सियालकोट का राजा बनिए, यही रखिए साथ गुरु ने। मुझे राजा ना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने हो हो गोरखनाथ गुरु ने। मैं मानू हूं कुछ थोड़ी सी तेरे करी कुभात गुरु ने। तने सुखा दिया था पेड़ लगा दिए फल और पात गुरु ने हो हो फल और पात गुरु ने। कोई पे कलर की शादी कर दू, कोई पे कलर की शादी ही कर दू, उतरे फर्ज हमारा। अरे मैं खाती से हाँ मैं खाती से लिकड़ गया ना कुबे में पढ़ू दोबारा रे ना कुबे में पढ़ू दोबारा। विकास जी, जी हाँ विकास भाई जी, जिन्होंने 1600 रुपए पहले और 500 रुपए अब, हमारे बहुत अजीज मित्र हैं आदरणीय परशुराम जी मोहम्मदपुर से, जय बालाजी प्रॉपर्टीज की तरफ से, जिन्होंने मंदिर के लिए भी काफी सहयोग किया और 2100 रुपए हमारे कलाकारों को दे करके गए, 500 रुपए उन्होंने फिर दिए हैं, यानी कि 1600 और 500 फिर 2100 रुपए से सम्मान बढ़ाया। एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जाना चाहिए, जोरदार ताली। और हमारे बीच में
आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय तेजपाल नागर जी। जी हाँ, परम आदरणीय तेजपाल नागर जी वो इस पावन मंदिर में 51,000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। 51,000 रुपए मंदिर में और 1100 रुपए हमारे कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। हम आदरणीय तेजपाल नागर जी का बार बार धन्यवाद करते, बार बार धन्यवाद। मुझे मेरे गुरु गोरखनाथ ने आप राजा बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन मुझको महाराज बना दिया है। बेटे, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि तू उस बात का आज भी गिल्ला कर रहा है कि जब मैंने रानी की झूठी बातों में आकर के तुझे जल्लादों को सौंपवा दिया था। आज तू एक राजा की संतान है, उस दिन भी थी, लेकिन आज मैं अपने किए पर पछता रहा हूं। बेटे, तू घर घर भिक्षा मांग करके अपने पेट को भरता है, इस राजपाट को भी चला और इस राजा की संतान होने के नाते अपना राजभोग। लेकिन ये संभव नहीं है, मेरे मन के अंदर से वो सारी बातें बहुत दूर जा चुकी हैं। राजन, मैं आपकी बातों पर अब आने वाला नहीं, क्योंकि मोह माया से मुझे बहुत दूर गुरु ने हटा दिया है। मैं तो माता के दर्शन करने के लिए आया था, गुरु का आदेश था, इसलिए माँ गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए माँ के चरण स्पर्श करने इस बाग के अंदर आ पहुंचा। और ये जो बाग हरा हुआ है, माता की जो आंखें ठीक हुई हैं, ये मुझसे नहीं, ये सब गुरु गोरखनाथ की महिमा है, उन्हीं की कृपा से सब संभव हुआ है। अब मैं राज को मांग मांग के खावे है रे, मांग मांग के खावे है, दुख दिल पे जाता सहा नहीं। मेरा मान और अपमान का चक्कर अब हृदय अंदर रहा नहीं। हाँ, हृदय अंदर रहा नहीं। पर पूर्ण मनारे कहा नहीं। मेरे मात पिता गुरु गोरख हैं, तेरे हृदय भीतर दया नहीं। तेरे हृदय भीतर दया नहीं। ना दिल से होता जुदा मेरी, ना दिल से होता जुदा मेरी, तू तो है आंखों का तारा। तने बीच धार में गेरा था, बड़ी मुश्किल मिला किनारा रे, बड़ी मुश्किल मिला किनारा। बहुत अजीज मित्र हैं भाई बिरजू अधाना जी, सांप की नंगली से, जिन्होंने बहुत इनाम पहले 100 रुपए फिर दिए हैं, तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। अंतिम कली है साथियों इस रागनी की, और ये समझ लीजिए कि इस किस्से की भी बिल्कुल अंतिम कली आपके बीच में सुनाई जा रही है। ध्यान से एक एक बोल बहुत कवि ने कीमती लिखा, क्या बता रहा। समय हाथ ना आता हो, कौन किसी का पुत्र पिता, और कौन किसे की माता रे। हाँ, कौन किसे की माता। अरे धरती ऊपर पड़िया मौज, महलों के बीच उड़ाता। कह लड्डन सिंह राजबल आनंद, धरती माँ पे आता रे, इसे धरती माँ पे आता। तेरे खेड़ी गांव नाम ले में हर लोग ठिकाना चाह रहा। बता एक जगह कैसे रुक जायो, तो घूमणिया बन जा रहा रे। हाँ, घूमणिया बन जा रहा। सारा मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा।